तो बेटा मैंने जो क्लास 4 का यूट्यूब पे वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को ड्राइंग लिमिट्स और ये जो एक्सरसाइज 4, 4E, 4F, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, क्वाड्रेंट स्नैपिंग, टेंजेंट स्नैपिंग, इन सब से जो स्नैप करके आपको ये डायग्राम बनाने थे वो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन करके उसमें क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट स्नैप और टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप दोनों को आप ऑन करेंगे। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल आप बनाएंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट स्नैपिंग से अंदर जो रोम्बस बना है वो बनाएंगे और फिर टेंजेंट स्नैपिंग से ये वाले लाइंस जो है ये आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वाले वीडियो में, तो उसको देखना, आपको ये वाले एक्सरसाइजेस करने हैं। जो भी लेसन्स कंप्लीट होता है क्लास में उसके बाद ये वाले लेसन्स आपको ऑटोकैड में करके उनका प्रिंट आउट लेके उसको रजिस्टर में लगाना है, ठीक है। इसमें आपको रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में ज्योमेट्रिक सेंटर का ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करके इसके ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट ये सर्कल बनाना है, ठीक है। और फिर ये वाला जो हैच लाइन है, डिसकंटिन्यूअस लाइन, ये आप मैंने बताया था आपको, लाइन वेट में जाके डिसकंटिन्यूअस लाइन टाइप आपको सेलेक्ट करना है। डिसकंटिन्यूअस लाइन टाइप को सेलेक्ट करके यहाँ पे मिड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैपिंग से आपको ये लाइन बनानी है, ठीक है। तो लेसन 5 ऑलरेडी हो चुका है, मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या हुआ था। पहले तो हमने पॉलीगन बनाना सीखा था, तो पॉलीगन मैंने पहले ही बताया था, एक होता है इंस्क्राइब पॉलीगन जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है, और एक होता है सर्कमस्क्राइब पॉलीगन जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉलीगन, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स 5, ठीक है। फिर स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, स्पेसिफाई हमने ये कर दिया। फिर ऑप्शन पूछ रहा है इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब में सर्कल बोलेंगे, स्पेसिफाई रेडियस 50 mm पर स्पेसिफाई किया, 50 mm रेडियस, ये हमारा पॉलीगन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर सर्कमस्क्राइब्ड हो तो पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स अगेन 5, सेंटर ऑफ पॉलीगन इसको, और फिर सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, तो सर्कमस्क्राइब 50, सर्कल का रेडियस, तो ये हमारा सर्कमस्क्राइब है। तो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि जो सर्कमस्क्राइब पेंटागन होता है वो इंस्क्राइब पेंटागन से ऑब्वियसली बड़ा होता है, ठीक है। और अगर इनको, इनका ओरिएंटेशन आपको चेंज करना है, ठीक है, अगर ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप ROTAT रोटेट और फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जैसे सेंटर इसका बेस पॉइंट है तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने मनचाहे एंगल में, ठीक है। उसके बाद अगर ज्योमेट्रिक सेंटर से हमें कोई लाइन बनाना है, ज्योमेट्रिक सेंटर हमारा ऑलरेडी ऑन है तो हम लोग एक लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइंस भी हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के ऑप्शंस को यूज करके ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलीगन कमांड हो गया, ठीक है। पॉलीगन कमांड के बाद, पॉलीगन कमांड आपका एक और कमांड से बन सकता है, वो है उसका एज, ठीक है। तो पॉलीगन, उसके बाद 5, ई एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ एज, सेकेंड पॉइंट ऑफ एज। तो इसमें हमने जैसे 725 mm के साइड का हमें पॉलीगन बनाना है तो हमने एंटर किया, और ये हमारा जो पेंटागन है ये 25 mm के साइड्स के डायमेंशन का बन गया है, ठीक है, आपको दिख रहा है 25 mm। तो पॉलीगन को हम उसके एज के साइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आपका एलिप्स का था, एलिप्स में मैंने पहले ही बताया था बेटा, एलिप्स के तीन, दो तरीके होते हैं, ठीक है, सेंटर और उसका एक्सिस का हाफ लेंथ बता के, या फिर एक्सिस, मेजर एक्सिस का फुल लेंथ और माइनर एक्सिस का हाफ लेंथ बता के। तो इसमें पहले सेंटर बताते हैं हम एलिप्स का, फिर एंड पॉइंट। तो देखो सेंटर से लेके मेजर एक्सिस के एंड तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेजर एक्सिस का जो लेंथ है उसका हाफ लेंगे हम। तो अगर मेजर एक्सिस का लेंथ 150 है तो इसका हाफ कितना होगा, 75, ये हो गया। उसके बाद माइनर एक्स, अगर माइनर एक्स 50 का है तो इसका हाफ कितना होगा, 25, 25। तो ये हमारा एलिप्स बन गया जिसका मेजर एक्सिस जो है
वो 150 है, और माइनर एक्सिस जो है वो 50 है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में जैसे हमारा क्वाड्रेंट सर्कल में आता था, वैसे ही क्वाड्रेंट हमारा इसमें भी आएगा। ठीक है, ये नोड बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, नोड क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके दो लाइंस मिल रहे हैं। ठीक है, और ये है हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर। और दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सेस और उसका एंड बताओ। तो इसमें आपको मेजर एक्सेस का टोटल लेंथ बताना होता है, तो 150। ठीक है, उसके बाद माइनर एक्सिस का हाफ लेंथ फिर से 25। तो ये आपका फिर से वही एलिप्स बना बट डिफरेंट तरीके से। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देख सकते हो इसका मेजर एक्सिस जो है 150 का है, और माइनर एक्सिस अगेन आपका, देखिए आपको क्वाड्रेंट मिल रहा है इसमें ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की वजह से। जैसे आपको सर्कल में ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की वजह से क्वाड्रेंट मिलता था, वैसे ही इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की वजह से एलिप्स में क्वाड्रेंट मिल रहा है। ठीक है, फिर तीसरा चीज है एलिप्टिकल आर्क। ये आपका एक आर्क, एलिप्टिकल आर्क बनाने के लिए बताता है। इसमें हमें तीन पॉइंट्स बताने होते हैं, सबसे पहले सेंटर उसका, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो पहले एक्सेस एंड पॉइंट बताएंगे हम, समझ लो 75 का एक्सेस है हमारा। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस टू अदर एक्सेस वो बताएंगे हम, समझ 25 का। उसके बाद स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल समझ लो हमारा 180 है, और एंड एंगल हमारा 180 से लेके 0 तक है। ठीक है, तो ये हमारा एक हाफ एलिप्टिकल आर्क बन गया, आपको दिख रहा है ये। तो एलिप्टिकल आर्क क्या है? एलिप्स नहीं है, पर एलिप्स एक इमेजिनरी एलिप्स के अबाउट हम एक सॉलिड एलिप्टिकल आर्क बना रहे हैं। तो ये बेटा मैंने आपको रिवाइज कराया पिछले क्लास का। ठीक है, सो डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या था हमारा? एलिप्स तो हो गया, एलिप्टिकल आर्क भी हो गया, फिर हमारा डोनट था। डोनट में बेटा, डोनट क्या होता है बेटा? बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल बनता है जिसमें हमें इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर बताना होता है। उसके हिसाब से हम जितने चाहे डोनट्स बना सकते हैं जब तक हम एस्केप बटन नहीं दबाते हैं। तो हमारा अभी भी डोनट वाला फंक्शन चल रहा है, एस्केप दबाया डोनट्स बन गए हमारे। तो ये हमारा डोनट का था बेटा। ठीक है, डोनट कहाँ यूज होगा आपको क्या लगता है? जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको कोई कार दिखाना है, ठीक है, या फिर अगर किसी बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं, उस बिल्डिंग के प्लान में आपको दिखाना है कि आसपास जो मेजर ट्रैफिक रोड्स हैं वहाँ पे कार चल रहे हैं, तो उनके व्हील्स को दिखाने के लिए हम डोनट का फंक्शन यूज करेंगे। तो ये डिलीट किया मैंने। उसके बाद डोनट के बाद बेटा पॉइंट, पॉइंट क्या था बेटा? बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट हमारा एक पोजिशन है जहाँ पर हम कोई इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं। जैसे समझ लो ये रेक्टेंगल है हमारा, हम चाहते हैं रेक्टेंगल का सेंटर जो है, ज्योमेट्रिक सेंटर, वो हमें दिखता रहे। तो क्या करेंगे? पॉइंट स्पेसिफाई अ पॉइंट, कहाँ जाएंगे हम? सेंटर पे जाएंगे और एक पॉइंट बना देंगे। तो ये हमारा पॉइंट तो बन गया। ठीक है, देखो सेलेक्ट भी हो रहा है हमारा पॉइंट, पर वो पॉइंट का स्टाइल जो है वो ऐसा है कि हमें बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो बेटा हम लोग पॉइंट का टाइप बदल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट का हम लोग साइज भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया, इतना बड़ा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया बेटा, इस पॉइंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। तो पॉइंट को सबसे पहले तो पॉइंट कमांड, फिर स्पेसिफाई अ पॉइंट जहां पर आप पॉइंट को चाहते हो। समझ लो मैं इसके क्वाड्रेंट पे, इसके यहाँ पे मिड पॉइंट पे चाहता हूँ एक पॉइंट। तो हमारा पॉइंट यहाँ बन गया। ठीक है, फिर डी डी पी टाइप, डी डी पी टाइप कमांड से हम पॉइंट का स्टाइल और पॉइंट का साइज दोनों बदल सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट बन गया बेटा, जो हमारा सेलेक्ट भी हो सकता है वो पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट सेलेक्ट भी हो सकता है और ये बताता भी है कि किस पॉइंट पे ये एक्चुअली पॉइंट हमने बनाया है। ठीक है, तो पॉइंट इसलिए होता है। और बेटा पॉइंट हम सेलेक्ट कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पे नोड सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में एक अलग ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का ऑप्शन है जो कि है नोड। ठीक है, तो नोड का ऑप्शन तभी सेलेक्ट होता है जब आपको कोई पॉइंट चाहते हो कि वो दर्शा सको। तो अगर हम अभी लाइन कमांड बन, लाइन कमांड, और हम चाहेंगे कि हम नोड से एक लाइन कमांड बनाए, ठीक है, तो हम नोड से एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, हमें काम करते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर को ऑफ कर देते हैं और सिर्फ नोड को रहने देते हैं, और देखते हैं कि अभी भी इस रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर हमें दिखेगा क्या। बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, एंड इस लाइन को हटा देते हैं, लाइन कमांड। तो ये देखिए बेटा,
एस आपको दिख रहा है, इस लाइन से हम लोग एक इस कमांड से हम लोग इस पॉइंट के अगेंस्ट एक लाइन बना पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट का बताया आपको। ठीक है, तो पॉइंट समझ गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद नोड है, फिर नियरेस्ट है। बेटा नियरेस्ट क्या होता है? नियरेस्ट अगर आप ऑन करोगे तो जो भी आपका नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट लाइन है, वहां से हम उस पॉइंट को फेच कर सकते हैं। जैसे ये देखो, नियरेस्ट नियरेस्ट मतलब ये जो एज है रेक्टेंगल का और इसका जो मिड पॉइंट है, इसका नियरेस्ट कोई अगर पॉइंट हमें चाहिए तो वहां से हम लाइन बना सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ये नियरेस्ट? फिर से नियरेस्ट आया हमारे पास। तो नियरेस्ट क्या होता है बेटा? स्नैप्स टू द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? हमारा ये एज रेक्टेंगल का, ये एज हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके नियरेस्ट जो भी पॉइंट है, ऑब्वियसली वो पॉइंट नियरेस्ट कौन सा होगा? जो उस एज पे ही होगा। तो उस एज पे जो पॉइंट है वही उसके नियरेस्ट है, और वहां से हम कोई भी लाइन अगर बनाना चाहते हैं तो नियरेस्ट ऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से हमारा ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा क्लास 4 में जो भी मैंने पढ़ाया था वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब क्लास 5 में, अब यहाँ पर आपको ये वाली एक्सरसाइज है, क्लास एक्सरसाइज 5 का आपको ये वाली एक्सरसाइजेस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है बेटा? एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक हेक्सागन बनाना है, और फिर इस हेक्सागन के साइड्स के मिड पॉइंट से आपको लाइंस बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं थोड़ा बहुत बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। सबसे पहले तो बेटा पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स बेटा 6 होगा। रुको, पहले सर्कल बनाते हैं, सर्कल, ठीक है। सर्कल बनाते हैं और रेडियस बनाते हैं 50 mm का, ठीक है। 50 mm का रेडियस बन गया बेटा। उसके बाद पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड 6 है हमारा। सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट होना चाहिए इसका, और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल होना चाहिए, और रेडियस का होना चाहिए बेटा 50। तो बेटा आप दिख गया, आपको वैसा ही हेक्सागन बन गया। बट ये हेक्सागन ऐसा नहीं बना, हमें अपने हेक्सागन को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एपेक्स जो है इस साइड आना चाहिए। तो रोटेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेंटर के अबाउट रोटेट कर दिया, तो ये हमारा रोटेट हो गया, ठीक है, रोटेट हो गया। उसके बाद आपको लाइंस बनाने हैं इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक, फिर इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक, ठीक है, और फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, और इस लाइन का एंड पॉइंट है। तो ऐसे आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, फिर आपको इनके इंटरसेक्शन से यहाँ तक एक लाइन बनानी है, और फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन बनानी है, ठीक है, और फिर यहाँ से हम मिड पॉइंट, फिर शिफ्ट, स्नैप मोड को ऑन ऑफ कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। तो शिफ्ट और मिड पॉइंट, मिड पॉइंट चाहिए हमको, और फिर से शिफ्ट और मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे हमारा लाइन बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये सारे कमांड्स यूज करने हैं। फिर एक इसके मिड पॉइंट से तो शिफ्ट, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, फिर राइट क्लिक, फिर मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। तो बेटा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का कौन सा तरीका यूज किया मैंने? शिफ्ट और राइट क्लिक वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, ऐसे ये एक पॉइंट है आपका, तो इस वाले पॉइंट पे इस लाइन का एंड पॉइंट भी है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन भी है, और इस लाइन का मिड पॉइंट भी है। तो ऑब्वियसली बात है, एक ही पॉइंट पे हमें बहुत सारे बतेड़ों पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए जो पॉइंट हमारा कंसर्न का है वही पॉइंट हमें मिले, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑफ किया और हमने लाइन कमांड यूज करी, शिफ्ट दबाया और राइट क्लिक किया, और जो भी हमें स्नैपिंग चाहिए उस स्नैपिंग को हमने क्लिक किया ताकि सिर्फ वही पॉइंट वहां पे स्नैप हो, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको बहुत सारे कंसेंट्रिक हेक्सागन्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कैसे बनाना है। जो मैंने आपको कमांड्स बताए हैं उस कमांड से आप भली भांति बना सकते हो, और बीच में आपको एक पॉइंट डिफाइन करना है जिसका स्टाइल ये होना चाहिए।
उसके बाद ये बहुत सारे एलिप्स हैं, और यहाँ पर आपको एक एलिप्स ऐसा बनाना है, और एक एलिप्स उसके 90 डिग्री पे बनाना है, और एक बीच में आपको डोनट बनाना है, ठीक है। तो ये आपका ये बेसिकली एक आई है, वो बनाना है आपको। फिर यहाँ पर आपको एक एलिप्स ऐसा, फिर एक 90 डिग्री पे एलिप्स, फिर एक 90 डिग्री पे एलिप्स, फिर एक 90 डिग्री पे एलिप्स। कैसे बनेगा आपको भली बात ही पता है बेटा, एलिप्स मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो आप इसको बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डोनट बनाना है फिर से, फिर यहाँ पे आपको एक हेक्सागन बनाना है, उसके अंदर आपको एलिप्स बनाने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको इस हेक्सागन के वर्टिसेस पे आपको डोनट्स बनाने हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज रहेगा इस क्लास के बाद, ठीक है। फिर अगली क्लास पे आते हैं बेटा, आज की क्लास पे। तो पहला, आज की क्लास पे हम कुछ मॉडिफाइंग कमांड सीखेंगे, जिससे हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड जो है आपको बताता हूँ, सबसे पहला कमांड है हमारा ट्रिम का। ट्रिम कमांड कब यूज होता है बेटा, मैं लाइन वेट कम कर देता हूँ बेटा, समझ लो हमने ये एक लाइन बनाई, ठीक है, और फिर ये एक लाइन बनाई, और ये एक लाइन बनाया, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसमें से ग्रीन हाईलाइटिंग है, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये इस वाले लाइन से आगे जा रहा है, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रिम कर सकते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, TRIM, ट्रिम, ठीक है। ट्रिम कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, और ये हो गया ट्रिम। तो क्या हुआ बेटा, ये सिर्फ ये वाला पॉइंट रह गया, ये वाला पॉइंट अब नहीं है। ट्रिम कमांड बेटा तभी यूज होता है जब कोई दो लाइन या दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एंगल में कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, इंटरसेक्ट करने चाहिए, तभी आप जो लाइन इंटरसेक्ट उसके अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट दिख रहा है आपको जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके अबाउट आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। अब समझ लो एग्जाम्पल, मैंने ऐसा लाइन बनाया, तो इसको भी मैं ट्रिम कर सकता हूँ। ट्रिम, अगर मैंने ये दबाया, तो ये देखो इस, ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका इस वाला पार्ट भी ट्रिम हो सकता है, और ये वाला पार्ट भी ट्रिम हो सकता है, ठीक है बेटा। ये था आपका ट्रिम कमांड, ऑलराइट। ट्रिम कमांड के बाद होता है बेटा, एक होता है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड क्या होता है बेटा, फिर से वही एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये एक लाइन बनी और मैं लाइन का थिकनेस बढ़ा देता हूं, ये एक लाइन बना आपका और ये एक लाइन बना आपका, ठीक है। अब ये एक आपका लाइन बन गया, अगर आपको चाहिए ये वाला लाइन जाके इससे मिल जाए, आपका दो तरीके बेटा, या तो आप एक लाइन बना दो यहां, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। क्या किया मैंने, यहां से गया और ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, और यहां तक चला गया, ठीक है। तो ये आपका लाइन बना, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ये आपका लाइन बन गया। या फिर आप यूज कर सकते हो एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड क्या होता है बेटा, एक्सटेंड कमांड दो ऑब्जेक्ट्स के एंड्स को बट कर देता है, मतलब जोड़ देता है। क्या करता है एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये एक्सटेंड कर दिया इसने, देख रहे हो आप, जैसे ही मैं इस पर ले जा रहा हूँ एक्सटेंड कर दे रहा है उसको, कहाँ तक, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट तक, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट तक। अभी देखो ये एक्सटेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये अगर एक्सटेंड कर रहे हो तो कोई नियरेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सिंबल बना हुआ आ रहा है स्टॉप का, इसमें क्या है कि पाथ डज नॉट इंटरसेक्ट विद द बाउंडिंग एज, मतलब कोई भी ऐसा एज यहाँ पर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है जहां पर इसको अगर एक्सटेंड करे तो वो जाके मिल पाए उसको, ठीक है। बट इसको अगर हम एक्सटेंड करें, तो देखो बेटा ये अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जाके ये इस ऑब्जेक्ट से जाके मिल सकता है, तो क्लिक किया हमने एक्सटेंड कर दिया, क्लिक किया हमने एक्सटेंड कर दिया, और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसको जोड़, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंड कमांड हुआ, और अगर हम चाहते हैं कि ऊपर वाला भी कहीं जाकर एक्सटेंड हो जाए, तो एक्सटेंड, अब अगर हम दबाएंगे इसको तो ये एक्सटेंड कर देगा उसको इससे, देखा। बट यहाँ पर अभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर यही बोलेगा वो, पाथ इज नॉट इंटरसेक्ट विद द बाउंडिंग एज। तो ये आपका एक्सटेंड कमांड था, सबसे पहला था ट्रिम कमांड,
फिर था एक्सटेंड कमांड। समझ में आई मेरी बात? तो ये बेटा एक्सटेंड और ट्रिम कमांड था जो मुझे आपको सिखाना था। उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद आता है आपका ब्रेक कमांड। बेटा ब्रेक कमांड क्या करता है? ये किसी भी एक लाइन को या सर्कल को ब्रेक कर देता है। मतलब किसी एक लाइन को दो पार्ट में, तीन पार्ट में, अनगिनत जितने पार्ट आप चाहते हो उतने पार्ट में वो उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे आपने लाइन बनाया, ये लाइन बनाई आपने, ठीक है। उसके बाद ब्रेक कमांड, ब्रेक कमांड सबसे पहले ब्रेक, उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई ब्रेक पॉइंट, ब्रेक कर दिया। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो देखो ध्यान से देखो, ये ब्रेक हो चुका है, ये लाइंस ब्रेक हो चुकी है दो पार्ट में। ठीक है, तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये अलग सेलेक्ट होगा और ये अलग सेलेक्ट होगा। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही बेटा अगर सर्कल हुआ तो, समझ लो आपका सर्कल है, आपने ब्रेक कमांड क्लिक किया, ब्रेक कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर स्पेसिफाई, तो ये हमने स्पेसिफाई किया, तो यहां से सर्कल आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक लेंथ में ब्रेक हो, मतलब एक पूरा एक हिस्सा निकल आए उससे, तो ब्रेक कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर ये फर्स्ट पॉइंट, और जितना आप ब्रेक करना चाहते हो वो आपका सेकेंड पॉइंट, तो इतना ब्रेक हो गया। आया समझ में? फिर से दिखाता हूँ, सर्कल, सर्कल कमांड, ठीक है, ब्रेक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जहां पे सेलेक्ट किया वो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसके बाद सेकेंड ब्रेक पॉइंट बोल रहा है, स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट, सेकेंड ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो उतना ही रह गया जितना आपका सर्कल आपने बताया उसको। ब्रेक कमांड, ब्रेक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ब्रेक पॉइंट, जहां पर आप चाहते हो जितना हिस्सा आपका चला जाए, सेकेंड ब्रेक पॉइंट, उतना हिस्सा आपका चला गया। आई समझ मेरी बात? ठीक है, तो ये आपका ब्रेक कमांड था। उसके बाद कमांड आता है बेटा एक्सप्लोड का। एक्सप्लोड कमांड क्या होता है? समझ लो आपने रेक्टेंगल बनाया, REC, रेक्टेंगल, ठीक है, फिर रेक्टेंगल बनाया आपने, अभी अगर आप सेलेक्ट करोगे इसको, सारे इसके साइड्स एक साथ सेलेक्ट होंगे। अगर आप चाहते हो कि किसके साइड्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, हर साइड अलग अलग हो, तो या तो आप लाइन कमांड से अलग से रेक्टेंगल बनाओ, हर एक लाइन को, हर एक साइड को अलग अलग से बना के, या फिर आप इसको एक्सप्लोड करो। क्या बोला मैंने बेटा? एक्सप्लोड, 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 एक्सप्लोड कमांड, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर एंटर, इसने एक्सप्लोड कर दिया इसको। देखो ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई। ठीक है बेटा, ये था हमारा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में क्या किया हमने? एक रेक्टेंगल लिया, उसको बनाया, उसके सारे साइज एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मतलब एक दूसरे के साथ थे वो। ठीक है, जैसे अगर मैं पी लाइन से रेक्टेंगल बनाऊं, मैंने पहले कहा था पी लाइन क्या होता है बेटा? पी लाइन आपका कंटिन्यूअस लाइन बनाने के लिए होता है। तो ये आपका रेक्टेंगल है, सारे साइड एक दूसरे जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा रेक्टेंगल एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हो कि सारे साइड्स एक दूसरे से अलग हो, जुड़े नहीं रहे, तो ब्रेक कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ब्रेक कमांड नहीं सॉरी, एक्सप्लोड कमांड, ठीक है, एक्सप्लोड कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो ये एक्सप्लोड हो चुका है अब। ठीक है, ये एक्सप्लोड हो चुका है, सारे साइड्स के अब अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ से सेलेक्ट करो तो सिर्फ ये सेलेक्ट हुआ, ये इसके साथ सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये आपका एक्सप्लोड कमांड था। ब्रेक कमांड पढ़ लिया बेटा हमने, ठीक है, ट्रिम कमांड पढ़ लिया, एक्सटेंड कमांड पढ़ लिया, मूव कमांड क्या होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको डिलीट करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको मूव करते हैं। ठीक है, मूव कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर दबाओ। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब किस पॉइंट के अबाउट आप इस रेक्टेंगल को मूव करना चाह रहे हो। सबसे पहले मैं मूव कर दिखाता हूँ रेक्टेंगल को एक कॉर्नर के अबाउट, ये कॉर्नर और इसको मैंने
मूव कर दिया। ठीक है, मूव करने का एक और तरीका है, पूरा सेलेक्ट किया इसको, इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया और इसको 1 मिनट सेलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक से मूव किया। ठीक है, मूव हेयर। ठीक है, क्या किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक से मैंने एक कॉर्नर सेलेक्ट किया और राइट क्लिक से इसको राइट क्लिक दबाता हुआ ले गया और यहाँ पे मूव हेयर या फिर कॉपी हेयर, जो भी आप चाहते हो, मूव करो या कॉपी करो। ठीक है, या तो कॉपी करो या तो मूव करो। ठीक है, तो मूव करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर आप इस रेक्टेंगल को सेंटर के अबाउट मूव करना चाहते हो, तो मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर सेंटर, ये रहा सेंटर के अबाउट, इसको मूव कर लो। ठीक है, तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यही बता रहा है, मूव आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो बेटा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप इसको डायगनली कहीं ले जाओ तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, किसी भी एंगल, किसी भी साइड, कहीं भी। ठीक है, तो ये आपका मूव कमांड हो गया। मूव के बाद मेरा ड्रैग, ड्रैग वही है बेटा, राइट क्लिक करके जो मैंने ड्रैग करके दिखाया आपको वही है, क्लिक ऑन द सर्कल एंड होल्ड द राइट हैंड माउस बटन डाउन एज यू ड्रैग द सर्कल टू द राइट। ठीक है, तो ड्रैग, उसके बाद मेन्यू से मूव हेयर, कॉपी हेयर, जो भी आप चाहते हो वो आप करो। ठीक है, नज में क्या होता है बेटा, नज में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो और कंट्रोल की दबा के एरोज के थ्रू आप उसको मूव करते हो। क्या बोला मैंने, देखो 1 मिनट, सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल दबाया, 1 मिनट, ठीक है, कंट्रोल दबाया और आपने एरोस के थ्रू इसको मूव किया। ठीक है, तो ये आपका नज है, नज में भी बेसिकली वो मूव ही होता है। ठीक है, तो वही होता है, तो नज और ड्रैग और मूव, ये बेसिकली कर सेम ही चीज़ रहे हैं और उनका तरीका अलग है। ठीक है, एक्सप्लोर का मैंने बताया आपको कैसे आप रेक्टेंगल के सारे साइड्स को एक दूसरे से अलग कर देते हो। ठीक है, फिर इसका बेटा आपको ये एक्सरसाइजेस करने हैं, एक्सरसाइज 6A, 6B, 6C। तो बेटा ये सबसे पहले आपका ड्राइंग है, इसमें रेक्टेंगल बनाना है आपको, रेक्टेंगल के साइड्स के सेंटर के अबाउट सर्कल्स बनाने हैं, फिर उसको ट्रिम कर देना है ताकि आपका जो रेक्टेंगल है वो ऐसा बने। कैसे करोगे बेटा ये, देखो रेक्टेंगल बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, सर्कल बनाएंगे इसके मिड पॉइंट के अबाउट। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, कॉपी कमांड से मैंने सर्कल्स बना दिए बहुत सारे, ये बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद ट्रिम कमांड से तो ये आपका वो असाइनमेंट बन गया जो यहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो क्या किया, रेक्टेंगल बनाया, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग से उसके मिड पॉइंट के अबाउट सर्कल्स बनाए, एक सर्कल बना लो और कॉपी कमांड से उसको रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट पे के अबाउट बना लो उसको। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपको बनाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा आपको, आपको एक दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, उससे सेंटर के अबाउट आपको लाइंस बनाने हैं और फिर जो लाइंस बाहर है और यहाँ है उसको आपको हटा देना है ट्रिम कमांड से। क्या करोगे बेटा, एक सर्कल ऐसा, एक सर्कल इसके अंदर। ठीक है, फिर आपको इससे सेंटर के अबाउट लाइंस बनाने हैं। फोर्टी डिग्री, यहां पर भी 45 डिग्री। ठीक है, ये 180, यहाँ पर 45 डिग्री, ये आपके लाइंस बन गए। ठीक है, उसके बाद ट्रिम कमांड से आपको ये वाले लाइंस हटा देने हैं।
तो ये आपका असाइनमेंट वो बन गया जो आपको इसमें बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन बनानी है, बहुत सारे कंसेक्यूटिव लाइंस बनाने हैं और उनको एक्सटेंड कमांड से इंटरसेक्ट करा देना है, ठीक है, इजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम से इस डायग्राम पे पहुँचना है, ठीक है। कैसे करोगे? एक्सप्लोड कमांड यूज़ करके, एक्सप्लोड इरेज करके, या फिर ट्रिम करके आप इस यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर ट्रिम करोगे तो ये लाइन ट्रिम हो सकती है क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ जाके, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक ड्राइंग बनानी है, ये ऑप्शनल है, आपको अगर बनाना हो अपने प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डोनट कमांड यूज़ होगा, यहाँ पे कॉपी कमांड यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉलीगन कमांड यूज़ होगा और यहाँ पर आपका आर्क वाला कमांड यूज़ होगा, मैंने आर्क बनाना आपको सिखाया है, ठीक है, तो ये आप बना सकते हो। उसके बाद बेटा आपका कॉपी करना मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, आपको अब मिरर कमांड बताऊंगा आपको, ठीक है। कॉपी मैंने पहले बताया कॉपी कैसे होता है, COPY, कॉपी, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया और ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा इमेज ही कॉपी करनी है, ठीक है। फिर सारे सेलेक्ट कर लिए, एंटर, फिर बेस पॉइंट, बेस पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है बेस पॉइंट, और फिर इसको मैं कॉपी करके जितने भी मैं इसके कॉपीज बनाना चाहूँ उतने कॉपीज बना सकता हूँ, ठीक है। किसके अबाउट कॉपी कर रहा हूँ मैं? उस ऑब्जेक्ट के बेस सेंटर पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये आपका कॉपी कमांड था। फिर क्या कमांड है बेटा? फिर आता है आपका मिरर कमांड। बेटा मिरर कमांड क्या होता है? मिरर कमांड होता है अगर आप लोग किसी एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट अगर लेफ्ट और राइट में इमेज सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा एक रेक्टेंगल होता है, सब रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अब इस साइड भी इस लाइन के इस तरफ भी रेक्टेंगल वैसे का वैसा ही है, ठीक है, तो उसको आगे बनाने से अच्छा है मैं उसको मिरर कर लूँ, ठीक है। मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। देखा आपने कैसे एक लाइन के अबाउट ये मिरर होके इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली बात है नहीं, तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया मिरर कमांड को यूज करके, ठीक है। ऐसे ही किसी अगर सर्कल को आपको मिरर करना है, ये सर्कल है आपका, ठीक है, और इस सर्कल को आपको मिरर करना है, मिरर कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट बेस पॉइंट, सेकेंड बेस पॉइंट, नो, तो ये आपका मिरर होके यहाँ बन गया। दूसरा, तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये जब मिरर में दिखेगा अपने आप को तो ये इमेज को दिखेगी। तो किसी लाइन के अबाउट लेफ्ट और राइट में अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है वो लेफ्ट एंड राइट, या किसी भी लाइन के अबाउट लेफ्ट एंड राइट में सेम है, तो वहाँ पर आप मिरर कमांड यूज़ करके अपने काम को सिंपल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा शैम्फर्ड कॉर्नर्स और राउंडेड कॉर्नर्स, मतलब राउंड कॉर्नर मतलब फिले और शैम्फर, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कॉपी बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको इस वाले क्लास के बाद एक्सरसाइज 6F, तो नहीं, F आपका ऑप्शनल है, 6E तक आपको एक्सरसाइज करने हैं। तो जो अभी तक लेसन 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेसन 6 तक, तो लेसन 6 तक जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इस वाले बुक में, उस वाले बुक के एक्सरसाइज है वो करने हैं ऑटोकैड में, और उसका प्रिंट लेके आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में चिपकाना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में कॉलेज में ही होगा, आज की क्लास नहीं हो पाई कॉलेज में, थोड़ा कुछ काम था मुझे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को आपको देखना है, क्लास 4 और क्लास 5 दोनों को आपको देखना है, और नेक्स्ट क्लास में हम शैम्फर, फिलेट और भी कुछ कमांड्स हम सीखेंगे, ठीक है, ओके।